देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। इस कार्यक्रम में हमारी यही कोशिश होती है कि आप जैसे होनहार एंटरप्रेन्योर्स को कारोबार को बढ़ाने के मौके मिले, कुछ गाइडेंस मिले। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे बिजनेसमैन की जर्नी जिसने अपने कारोबार की शुरुआत बहुत छोटी की, लेकिन पिछले 30 सालों में देश का ये सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने अपने कारोबार को 3 दशक पहले शुरू किया और अब सबसे बड़ी लॉजिस्टिक फर्म है जो खासकर B2C बिजनेस को केटर करती है, यानी कि हाउस होल्ड शिपमेंट्स में इनका बहुत बड़ा नाम है। मैं बात कर रही हूं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की, और हमारे साथ हैं श्री रमेश अग्रवाल जो कंपनी के फाउंडर है। अग्रवाल साहब, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपने तो कारोबार की शुरुआत 1987 में की और उस समय पे मेरे ख्याल में बहुत कम लोग सोचते थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस शुरू किया जाए, वो भी लॉजिस्टिक्स के कारोबार में। क्या वजह थी कि आपने, आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखी इस बिजनेस में? इनफैक्ट मैं डिफेंस के अंदर मेरा जो कैरियर शुरू किया था और वहाँ मैंने बारीकी से देखा कि प्रमोशन होने से बड़ी खुशी होती है, जब शिफ्टिंग होता है तो बड़ा पेनफुल हो जाता था। और मैं जरा सा बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैंने एक ही चीज पढ़ा कि जहाँ मोर पेन मोर गेन, तो जिस धंधे में मोर पेन होगा वहाँ अच्छा होगा। अलबत्ता आप उसको किस ढंग से अपनी एक प्लानिंग करते हो, ब्लूप्रिंट बनाते हो, तो मैंने देखा कि इससे, और एक कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसकी कोई लाइफ होती है जी। और ये शिफ्टिंग वाला बिजनेस मैंने देखा, इसकी तो लाइफ ही नहीं, ये तो 50 साल 100 साल चलेगा। तो इस तरह से एक मन में आया कि दो काम होंगे, एक बिजनेस बहुत लंबा चलेगा, दूसरा ये होगा कि प्रॉफिट भी होगा, तीसरा ये होगा कि मेरे को उन लोगों को सर्विस करने का मौका मिलेगा जो लोग इसके लिए अछूते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि हाउस होल्ड में आपका एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद अब आप B2B यानी कि बिजनेसेस के साथ भी कारोबार करते हैं, तो कैसे आपने अपने बिजनेस को धीरे धीरे स्केल किया है ये हमें बताइए। मेरा भगवान, केवल मेरा क्लाइंट, मैं उसको भगवान समझता हूँ, मैं उसी की पूजा करता हूँ, उसी की बारे में सोचता हूँ, उसको क्या दे पाऊँ उसके बारे में सोचता हूँ। तो जितने भी जो मेरे क्लाइंट होते हैं मैं उनके हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मेरी गलती निकाले, मेरे को कंप्लेन करे, मेरे को डांटे, उसको फिर मैं एनालाइज करता हूँ और वो मैं फिर जीरो करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से जो मेरे भगवान ने मेरे को यहाँ पर बिठा दिया। जब मैं सोचता कि जैसे एक B2C बिजनेस हो गया और मेरे को एक डैमेज फ्री डॉक्टर के नाम से लोग जानने लग गए कि भाई आप जहाँ भी कोई फ्रेजाइल आइटम है और डैमेज के साथ पहुँचती है, हैंडल विद केयर है, हाई वैल्यू है, वो यदि काम करवाना है तो रमेश अग्रवाल के पास पहुंचो, वो आपको सही एडवाइस देंगे। तो इस तरह से मेरा नाम डैमेज फ्री डॉक्टर हो गया। तो अब जो प्रोडक्ट आए हैं आजकल, मैं एक साल से मैंने ये देखा कि हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट जाते हैं उसका कहीं ना कहीं, यदि हमारा लेस देन ट्रक लोड होता है तो उसके कहीं ना कहीं ट्रांसीमेंट होते हैं जी। क्योंकि पार्टी के घर से, गोडाउन से, वो गोडाउन में लाना पड़ता है, गोडाउन में उतारने के बाद 3-4-5 मटेरियल कंसोलिडेट करके वो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जिसके कारण कहते हैं कि इसका मटेरियल का मिक्सअप हो गया। हमारी भाषा में कह सकते हैं कि जब दो सामान कहीं मिलते हैं, कई सामानों के नेचर बड़े अलग अलग होते हैं, जैसे साबुन और आपने खाने का सामान चिप्स मिला दिए, और ये दोनों मिलकर यदि कहीं पर जाएंगे तो एक रेंसिडिटी फिनोमेना टेक्स प्लेस। उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फूड है वो एक्सपायर्ड मच बिफोर एक्सपायरी डेट। मैंने इसमें काम करना शुरू किया कि भाई इसको कैसे बचाया जा सकता है। अल्टीमेटली क्वेश्चन आया, इसको बचाया जा सकता है, क्योंकि हमने फिर एक प्रोडक्ट का लॉन्च किया जिसका नाम दिया टर्किंग क्यूब। तो अब हम क्या किया कि 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 12 फीट, 16 फीट हर साइज के कंटेनर बना दिए, इसका नाम हमने ट्रक्यू क्यूब दे दिया। अब मेरे पास जैसे कि गाड़ी होती है जनरली 32 फीट के, उस 32 फीट को लोड करना होता है, तो एक का साबुन है तो मैं 4 फीट का सामान या 8 का साबुन भर लिया, एक का सामान क्लोथ्स है उसका भर लिया, एक खाने का सामान है, तो मेरा तीनों सामान 3 कंटेनर में भर गया, एक गाड़ी में चला गया, मैंने सबका भाड़ा भी शेयर कर लिया बट सबको स्पेस अलग दे दिया जी। और जो रेंसिडिटी फिनोमेना है उसको भी टाटा बाय बाय कर दिया। कई दूसरे छोटे प्लेयर्स भी हैं जो भारत में इस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, उन नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी सीख क्या रहेगी, आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सबको एक ही सीख है कि आप जिन लोगों ने भी जो भी आपको पैसा देते हैं उसको ये महसूस होना चाहिए कि बहुत ही, मतलब आपका पैसा 1000% सेफ है। प्लानिंग इस ढंग से बनाए कि कभी भी अंडर रेट कोट मत करें, वो कभी भी नुकसान का सौदा होता है। क्लाइंट आप अंडर रेट है तो आपके पास आ जाएगा, जब रेट बढ़ा दोगे वही क्लाइंट आपका चला जाएगा, कि इतना
कंपटीशन है, कंपटीशन करें हेल्दी, नॉट हेल्दी। तो कैसे कंपटीशन से जूझे, कैसे? हमारे में क्या होता है कि जैसे कोई आदमी अपना आइटम बेचता है, जब वो आपका आइटम बेचता है तो उसकी पैकिंग करता है, उसको ये मालूम है मेरा तो सामान है वो चार बार ट्रांसपेरेंट होगा, तो मेरी जो पैकिंग की कॉस्ट है वो जो कार्टन या जो भी मैं बनाता हूँ वो मेरे नो प्लाई के होने चाहिए, उनका क्वालिटी कंट्रोल वाले उसको सर्टिफाइड करते हैं, क्योंकि पांच बार उसका सामान उतरेगा जी। मैंने उनको एश्योरेंस ये दे दिया कि आपका सामान सीधा आपके डोर से आपके घर पे डोर पे जाएगा, आपका सामान कहीं भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो जब आप नो प्लाई का कार्टून लगा रहे हो, व्हाई डोंट यू मेक इट फाइव प्लाई, चार प्लाई आप कम कर दो, आपका 22% 24% पैकिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। उन्होंने बोला कि ये कैसे नदी, आप देखो, जब मैंने मेरे बढ़िया से बढ़िया क्यूब दिखाए, यहां भरे, इसको ताला लगाओ, चाबी अपने पास रखो, डेस्टिनेशन में गुवाहाटी में अपना ताला खुद खोलो, तो मेरा तो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। तो उनके दिमाग में आ गया तो ये एक सेविंग है जी। तो मैंने उसका भाड़े को कम नहीं किया बट उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर दिया। तो आज हमारे को उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी है अपने खुद प्लानिंग कर इनोवेशन करके कि मेरे क्लाइंट की कॉस्ट मैं कहां कम करूं। ओके, अब यहां से आगे अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के क्या टारगेट्स हैं, क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आपकी अब लगभग 450 करोड़ के रेवेन्यूज आप लोग कमा लेते हैं, तो क्या टारगेट कर रहे हैं आप, यहां से कितना स्केल करना चाहेंगे? अब हमारा जो कंसेप्ट है ट्रकिंग क्यूब्स, वो हमारा बिल्कुल घर घर तरह से फेमस हो गया है। कॉपीराइट है इसका आप? कॉपीराइट भी है और पेटेंट भी है, मगर फिर भी मैं तो फिर भी मेरे इस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को बोल रहा हूँ कि 6,40,000 करोड़ का बिजनेस है पूरे हिंदुस्तान में, मैं हार्डली कितना कर पाऊंगा, 1,000 का 2,000 का। तो मेरा हिंदुस्तान आज 42,000 करोड़ रुपीज ट्रांसीमेट के कारण डैमेज होता है, मेरी बहुत बड़ी एक पीड़ा है, मतलब 13.2% हमारी जीडीपी का हिस्सा लॉजिस्टिक कॉस्ट है, विदेशों में 8.5% है, ये 42,000 करोड़ और कम हो जाए शायद हम 10% पे आ जाए। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ये कम करें, इसका कम करने के लिए एक ही साधन है हमारे लिए, ट्रकिंग क्यूब। आज हमारे पास 1800 ट्रकिंग क्यूब है, वी आर प्लानिंग टू हैव 10,000 ट्रकिंग क्यूब। इस 10,000 ट्रकिंग क्यूब के बाद फिर नेक्स्ट 7 साल में हमारी प्लानिंग है वी कैन गो 1,00,000 ट्रकिंग क्यूब। तो नेक्स्ट 3 साल तक हमारा ये है कि वी कैन गो टॉप लाइन 1,000 करोड़, और डैमेज जीरो करेंगे तो हम और क्लाइंट दोनों शेयर को बांटेंगे। मान लो मेरा 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो रहा है तो मैं 10% मेरे क्लाइंट को पास ऑन कर सकता हूँ, 10% मेरे बैलेंस शीट को दे सकता हूँ, और जब मेरे 1,00,000 ट्रकिंग क्यूब आ जाएगी, दैट आई एम टारगेट 7 to 8 years, तो उस टाइम पर मोस्ट प्रोबली मैं समझता हूँ कि शायद हम 9,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंच जाएंगे। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ लेवल्स आप जरूर पहुंचे। सर, आजकल तो काफी बसी बसाई कंपनियां आईपीओ भी लेकर आ रही हैं, मार्केट में उतरने का इरादा है, आप लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं? हाँ, 3 साल के अंदर हमारा प्लान है, क्योंकि जब आप ये टारगेट से हाँ, क्योंकि जीएसटी का हम इंतजार कर रहे थे कि जीएसटी से किस तरह से मार्केट है, तो हमने अब जो हमारा जो अपना मानना है कि जीएसटी जैसे कि लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए भारत सरकार ने एक तोहफा दे दिया कि भी आपको बढ़ने का मौका हम दे रहे हैं कैरी ऑन, तो जीएसटी ने बहुत आसाई खोल दी। कितना बिजनेस में इम्पैक्ट दिखेगा जीएसटी से, कितनी कॉस्ट सेविंग होगी, कितना आप जल्दी डिलीवरी कर पाएंगे? हमारा 1st-2 जुलाई से जैसे हमने काम चालू किया है उसके हिसाब से तो हमारा 18 से 19% ट्रांजिट टाइम हमारा कम हो गया। एक, और हमने जो पैकिंग के अंदर 9 जुलाई को हमने एक पहला कट ऑफ किया था 7%, 7% हमने रेट कम कर दिए थे 9 जुलाई के। इस महीने के बाद हम फिर इम्पैक्ट देखते हैं क्या होगा, तो मैं समझता हूँ कि 2-3% 5% हम और भी शायद कम करेंगे। और उसके बाद आगे आने वाले टाइम में जो हर्डल्स महसूस करते थे, जैसे कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और पूरे देश में व्यापार करना चाहता हूँ, तो उस टाइम पर वो हमेशा एक अटता था कि वहाँ का लोकल वैट और किस तरह से होगा। अब जीएसटी में आदमी कहीं भी किधर भी सामान भेजो, जैसे कहते हैं बिल टू एंड शिफ्ट टू, कहीं का कहीं भी भेजो, किसी को कोई किस तरह की हर्डल नहीं है। पिछले 30 सालों में इस बिजनेस को खड़ा करने में सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए क्या थी? इनिशियल दिक्कत ये थी कि जो लोग ऑलरेडी एक माइंडसेट था कि पैकिंग मूविंग के अंदर जब मैं लेकर जाऊंगा तो सामान तो टूटना ही है, और वो अपने आप 2-2 महीने पहले लग जाया करते, कहीं किराना पुराने कार्टून लाते थे, कहीं कुछ लगते थे, वाइस लेके आते थे, वो लगे रहते थे। उनके दिमाग में था कि यदि हम कुछ लोग थे बड़े बड़े पैकर जो बाहर की कंपनियां इंडिया में काम करती थी, वो डॉलर के हिसाब से पैसा लिया करते थे, तो वो कहते थे इनसे बात कर दिया तो इन्होंने तो हमारा बजट खराब कर दिया, दूसरा कोई पैकर होता नहीं था। तो एक जो बजटरी पैकर था वो केवल हमने जन्म लिया, हम उन तक कैसे मैसेज पहुंचाए वो हमारे लिए चैलेंज था। तो हमने धीरे धीरे जाकर कहीं कॉन्फ्रेंस की,
कहीं उनके कॉर्पोरेट रूम में, उनके एडमिन सेक्शन से मिले, बैंकों के हेडक्वार्टर में गए, उनको प्रेजेंटेशन दिया, उनके बाद उन्होंने सर्कुलर किया कि भाई आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। अब दूसरा चैलेंज क्या है, जैसे कि कोई आदमी का नाम फेम बढ़ जाता है तो उसके डुप्लीकेट बहुत बन जाते हैं। आज आप एक जब बटन दबाओगे गूगल में अग्रवाल पैकर मोर, आपको 20 जाएंगे कि भाई अग्रवाल पैकर मोर लिमिटेड वो हिंदुस्तान में एक है आज भी कल भी, और उनको पहचानने के लिए मैं मेरा ये वर्दी और ये पहनकर एक जनता को जगाने का काम करता हूँ। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे किसी के इमोशंस टूटेंगे नहीं, लेकिन आपकी बिजनेस में काफी तरक्की आती रहेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी स्टोरी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। ऑल द बेस्ट सर, सो नाइस, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, लेकिन आगे आपको बताएंगे इस हफ्ते की बड़ी स्टार्टअप खबरें।